और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से, जहां पुलिस मुख्यालय में काम करने वाले 44 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 44 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार आप देखिए कोरोना के केसेस जयपुर में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राजस्थान में कुल केसेस अब तक 2656 मिले हैं, लेकिन इस वक्त जयपुर जो कि सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है, 1439 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और अब ये बड़ी खबर, 44 अधिकारी और कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भवानी इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है। भवानी, लगातार जयपुर में केसेस बढ़ते हुए और अब तो कई शहरों का कंटेनमेंट जोन भी घोषित किया गया, फिलहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, जयपुर में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और अभी कुछ देर पहले ही पुलिस जो मुख्यालय है वहां से सैंपल लिए गए, जिसके अंदर 44 पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। और इससे पहले एक दिन पहले ही जो पुलिस अकादमी है उससे भी 56 जो ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर है वो पॉजिटिव पाए गए। तो आप रफ्तार देखिए कि शासन सचिवालय की बात करिए, जयपुर के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, सारे के सारे दफ्तर है, उनमें लगातार पॉजिटिव आते जा रहे हैं। जयपुर के सचिवालय के अंदर काफी आईएएस और अफसर और कर्मचारी पॉजिटिव आ गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कल कोरोना रिपोर्ट कराई, वो पॉजिटिव आए। जयपुर में संक्रमण दर सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है, 10% से ऊपर है। पूरे जो 2600 केस है उसमें से 1450 अकेले जयपुर में। जी रितिका,